नाम एवरी वन, आई एम पिंकी सिवाच। टुडे आई एम हेयर टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 5, 9th स्टैंडर्ड CBSE। दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम सिविक्स। मैनी ऑफ द बुक्स द चैप्टर नंबर इज़ गिवन 5 एंड मैनी ऑफ द बुक्स द चैप्टर नंबर इज़ गिवन 4। सो दिस वुड बी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 82। नीड फॉर द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। हम बात कर रहे हैं कि हमारे जितने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इनकी ज़रूरत क्या है। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। हमने देखा कि एक ऑफिस मेमोरेंडम जिस तरीके से लिया गया, उसके हिसाब से हमने देखा कि किस तरीके से सरकार जो है पॉलिसी डिसीजन लेती है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, फिर अगर उसके ऊपर इशूज़ रेज होते हैं तो उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटीज़। किसी भी देश को चलाने के लिए इस तरीके के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर द एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। सरकार जो होती है वो जवाबदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है अपने नागरिकों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़, एजुकेशन और हेल्थ जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए सरकारी स्कूल, कॉलेजेस ये सब खुलवाए जाते हैं। इट कलेक्ट्स टैक्सेस। और ये पैसा कहाँ से आता है? सरकार हमसे ही पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है। और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो उसको चलाया जाता है, डिफेंस जो चलाए जाते हैं, डिफेंस जो है उसको चला रखा जाता है, और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी सरकार चलाती है इसी पैसे से। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम। सरकार जो होती है बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स फॉर्मुलेट करती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है। सम पर्सन हैव टू टेक, कुछ जो इन व्यक्ति होते हैं उनको ऐसे डिसीजन लेते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ किस तरीके से करी जाएंगी। अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट, दूसरों को, कुछ ऐसे भी होते हैं व्यक्ति जिनको इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। एक फैसले लेने वाले व्यक्ति होते हैं, दूसरे उनको लागू करने वाले होते हैं। इट डिस्प्यूट्स अराइज, अगर इन सभी में डिस्प्यूट होते हैं या कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो देयर शुड बी सम, तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, अगर कोई भी झगड़ा या विवाद उत्पन्न होता है तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ये डिटरमाइन करे, जो ये सुनिश्चित करे कि कहाँ पर क्या गलती हुई है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट। और ऐसा ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कौन सा काम करने के लिए कौन जवाबदार है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट दीज एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ द पर्सन इन कीज पोजिशन चेंज। और ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि यदि जो व्यक्ति पावर में बैठे हुए हैं, यदि वो चेंज होते हैं तब भी ये सारे काम चलते रहें। सपोज़ बिजली पानी की सुविधाएं हैं, यदि हमारे MP MLA चेंज हो जाते हैं तो क्या, अगर वो चेंज हो रहे हैं, वो सरकार वो सत्ता में नहीं बैठे हैं, तो क्या ये सारी सुविधाएं हमसे छीन ली जाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी स्कीम्स चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो कंटिन्यूस चलने चाहिए। एंड इफ द पर्सन सो टू अटेंड ऑल दीज, इसीलिए सारे क्वेश्चन को देखने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट किए गए हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। ऐसे ही अरेंजमेंट को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। ए डेमोक्रेसी वर्क्स वेल देन व्हेन दीज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शन असाइन टू देम। एक डेमोक्रेसी, एक प्रजातंत्र तभी अच्छे तरीके से काम करता है जब ये सारे इंस्टीट्यूशन अपने अपने काम जो होते हैं, जो उनको असाइन किए गए हैं, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं जिसकी जो भी ड्यूटी होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ले डाउन बेसिक रूल्स ऑन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इस तरीके के बेसिक रूल्स जो होते हैं और कुछ पावर्स जो होती हैं, फंक्शन जो होते हैं, वो इन सारे इंस्टीट्यूशन को देता है। इन एग्जांपल अबव जो ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ा था उसमें ऐसा ही कुछ दिया गया है। जो ऑफिस मेमोरेंडम जो था, द प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कैबिनेट की मीटिंग बुलाता है जो इंस्टीट्यूशन है, एंड टेक और सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन वो लेते हैं। सिविल सर्वेंट जो होते हैं, जो सारे मिलकर काम करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट। जो भी मिनिस्टर्स ने फैसला लिया है, जो भी स्कीम लागू करने का फैसला लिया है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम सिविल सर्वेंट्स का होता है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अगर नागरिकों के बीच में, सरकार के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको फाइनली सेटल डाउन करता है। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी, ये जो हेडिंग है
जस्टिफाई करना है इसको कि वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी. जस्टिफाई द स्टेटमेंट इस पैराग्राफ्स का ये क्वेश्चन भी है कि इन इंस्टीट्यूशंस के साथ में काम करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, हर एक व्यक्ति के हाथ बंधे हुए होते हैं. जो लीडर होता है वो सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकता. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग, हर एक इंस्टीट्यूशन में मीटिंग्स होती हैं और कमिटीज़ होती हैं, रूटीन होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है. इससे कई बार जो फैसले लेने में देरी भी हो जाती है. देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग. इसीलिए हमेशा इन इंस्टीट्यूशन के साथ में काम करना कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है. किसी को ऐसा भी लग सकता है कि मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल द डिसीजन विदाउट एनी रूल्स, कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बिना किसी इंस्टीट्यूशन के खुद से अपनी मर्जी से फैसला ले, प्रोसीजर्स और मीटिंग के बिना सारे फैसले ले. बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. Some of the delays and complications introduced by institutions are very useful. ये जितने भी डिले होते हैं या जो भी complications हैं institution के द्वारा जो लाई जाती है वो आप अपने आप में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं. इससे अपॉर्चुनिटी मिलती है बड़ी मात्रा में बड़े सारे लोगों को टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन, कि बड़ी मात्रा में बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट किया जाता है. इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव ए गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली. हाँ, अगर इंस्टीट्यूशन या जो भी पोलिटिकल पार्टीज़ या जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, फैसले लेते हैं, देरी हो जाती है, लेकिन हमेशा ये होता है कि फैसले कभी भी गलत नहीं लिए जाते. एंड दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन. इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो इंसिस्ट करती हैं कि इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए. अब है पार्लियामेंट, हमारा एक ऐसा ही इंस्टीट्यूशन है सबसे बड़ा पार्लियामेंट. इन द एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, हमने देखा था ऑफिस मेमोरेंडम के एग्जाम्पल में, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट का क्या रोल था उसमें. परहैप्स नॉट सिंस द डिसीजन वॉज नॉट टेकन, हालांकि जो फैसला था वो पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था. आपको लग रहा होगा कि पार्लियामेंट का इसमें कोई रोल नहीं है. बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी जो हमने पढ़ी थी, वो स्टोरी में उसको वापस से याद करते हैं. सबसे पहला क्या हुआ था उसमें, जो रिपोर्ट थी मंडल कमीशन की, उसके ऊपर डिस्कशन किया गया था, पार्लियामेंट में किया गया था. प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मैंशन, उसका प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसमें मैंशन किया गया है. द प्राइम मिनिस्टर मेड ए, प्राइम मिनिस्टर जो था उसने मीटिंग बुलाई थी. तो ये द डिसीजन वॉज नॉट, जो डिसीजन था वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं लिया गया था, बट पार्लियामेंट डिस्कशन, पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हुए थे. जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी थी मंडल कमीशन ने, दे ब्रॉट प्रेशर, उन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशर डाला था कि जो एक्ट है कि मंडल की कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर वो काम करे. इफ़ द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट इसके फेवर में नहीं होती तो गवर्नमेंट जो थी वो कभी भी इस फैसले के ऊपर काम नहीं कर सकती थी. रिकॉल दैट व्हाट, हमने पार्लियामेंट के बारे में पहले से हम पढ़ चुके हैं. व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमको पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है. In all democracies, an assembly of elected representative exercise supreme political authority in on the behalf of people. किसी भी जो भी जितनी भी democracies होती हैं, ये आपका question भी है, why do we need a parliament? Parliament का means role क्या है, functions क्या है. सभी जितने भी democracies हैं, एक चुनी हुई जो सभा होती है elected चुने हुए प्रतिनिधियों की, जो लोगों के behalf पे काम करती है, लोगों के behalf पे सबसे बड़ी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, उसको पार्लियामेंट कहते हैं. भारत में नेशनल असेंबली जो है उसको चुना जाता है, जो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव होती है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं. स्टेट लेवल पर जितने भी हमारे स्टेट हैं, स्टेट लेवल पर इसको कहा जाता है लेजिस्लेचर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली. द नेम में वेरी इन डिफरेंट, ये जो नाम हमने रखा है पार्लियामेंट, ये सभी देशों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसी असेंबली हर एक डेमोक्रेसी में ज़रूर होती है. इट कंसिस्ट इन एनी डेमोक्रेसी, एवरी डेमोक्रेसी इट एक्सरसाइज, ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है लोगों के बिहाफ पे और अलग अलग तरीके से काम करती है. पहला इसका फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी है फॉर मेकिंग लॉज, देश के अंदर कानून बनाने वाली सबसे बड़ी फाइनल अथॉरिटी यही होती है. इसका काम होता है कानून बनाना, लेजिस्लेशन इज़ सो क्रूशल, और ये कानून बनाने का जो काम होता है ये इतना इंपॉर्टेंट होता है. दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर, इसीलिए इन असेंबलीज को विधायिका कहा जाता है, यानी कि कानून बनाने वाली संस्था कहा जाता है. पार्लियामेंट जो है पूरी दुनिया में, दे कैन मेक न्यू लॉज, ये नए कानून बनाती है, पुरानों को चेंज करती है या फिर पुरानों को एबॉलिश कर देती हैं और उनकी जगह पर नए कानून बनाती हैं. दूसरा इसका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, यहाँ पर Why do we need parliament? What are the functions of parliament? पार्लियामेंट जो है वो पूरी दुनिया में कंट्रोल रखती है
जो भी लोग सरकार को चलाते हैं उनके ऊपर। इन सम कंट्रीज़, भारत जैसे देशों में ये जो कंट्रोल होता है ये डायरेक्ट होता है, फुल होता है। दोज़ हू रन द गवर्नमेंट कैन मेक डिसीजन ओनली एज लॉन्ग एज दे इंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो भी सरकार चला रहे हैं उनको वो तभी तक फैसले लेते हैं, जो भी फैसले वो लेते हैं वो तभी तब तक अपने अपनी अथॉरिटी को इंजॉय कर सकते हैं जब तक पार्लियामेंट उनको सपोर्ट करती है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी, जो भी सरकार के पास पैसा है उसको कौन कंट्रोल करता है? पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। मोस्ट डेमोक्रेसीज, ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं, जो पब्लिक का जो पैसा होता है इसको किस तरीके से खर्च किया जाएगा, वैन द पार्लियामेंट सेंक्शन, वो तभी उसके उसको पैसे को तभी खर्च किया जाएगा जब पार्लियामेंट उसको मंजूरी देती है। फोर्थ जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है, पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन। पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ी फोरम है जहाँ पर डिस्कशन होते हैं, डिबेट होती हैं पब्लिक इशूज़ पर, नेशनल पॉलिसीज़ के ऊपर देश के। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन, पार्लियामेंट जो है वो किसी भी मैटर के ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। भारत के अंदर टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात होगी। डिस्क्राइब अबाउट द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी है। सिंस पार्लियामेंट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन मॉडर्न, क्योंकि पार्लियामेंट जो होती है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। ज़्यादातर जो देश है वो इस रोल को, इस पावर को, पार्लियामेंट की पावर को दो हिस्सों में बांटते हैं। इनको कहते हैं चैम्बर्स और हाउसेज। एक हाउस ऐसा होता है जिसको डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है, जो लोगों के बिहाफ पे काम करता है। सेकेंड हाउस जो होता है उसको इनडायरेक्ट तरीके से चुना जाता है, जो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए चुना जाता है। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकंड हाउस इज़ टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स एंड फेडरल यूनिट्स। दूसरा जो हाउस है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि वो कुछ स्पेशल स्टेट्स, जो वेरियस अलग अलग जो राज्य हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, या फिर जो फेडरल यूनिट्स हैं जैसे हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उनके इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम करे। हमारे देश में जो पार्लियामेंट है इसके दो हाउस हैं। पहला है द टू हाउसेज आर नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। पहला है जो अपर हाउस जिसको कहते हैं राज्यसभा, मीन्स द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड द अपर हाउस लोकसभा। दूसरा जो है द हाउस ऑफ द पीपल जिसको कहते हैं लोकसभा, यानी कि लोअर हाउस। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट, हमारे देश का जो प्रेजिडेंट होता है वो भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्लियामेंट का। ऑल्दो इशी इज़ नॉट ए मेम्बर, हालांकि वो किसी भी हाउस का मेम्बर नहीं होता है। दैट इज़ वाई ऑल लॉ मेड इन द हाउसेज कम इन टू फोर्स, इसीलिए जो दोनों हाउस हैं उनके द्वारा बनाए गए कोई भी जो कानून होते हैं उनको लागू तभी किया जाता है आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जब उनको मंजूरी मिल जाती है, प्रेसिडेंट की सहमति मिल जाती है। आपने पढ़ा है द इंडियन पार्लियामेंट इज़, आप पहले से ही अर्लियर क्लासेस में इनको पढ़ चुके हो। फ्रॉम द चैप्टर फोर, आपने चैप्टर फोर में भी पढ़ा था कि लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं वो भारत में किस तरीके से करवाए जाते हैं। लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंस, यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में टोटल नंबर कितना है दोनों का, एक का है 545, एक का है 245। इनको कौन चुनता है? लोकसभा के, जो लोकसभा को डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्यसभा को स्पेशल प्रोसीजर्स के द्वारा चुना जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट तरीके से उनको चुना जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द टू हाउसेज इज मोर, इन दोनों में से कौन सा हाउस सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये भी आपका क्वेश्चन है। इट माइट अपीयर, हालांकि जो ऐसा लगता है कि जो राज्यसभा है ये ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन और क्योंकि इसको अपर हाउस कहते हैं, अपर चैम्बर कहते हैं, लेकिन और लोकसभा को लोअर चैम्बर कहते हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो लोकसभा होती है। दिस इज़ जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, ये पुराना तरीका है इनको नाम बुलाने का। हमारे संविधान कहता है डज गिव द राज्यसभा, हमारे संविधान ने राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स दी हुई हैं, लेकिन मोस्ट मैटर, लेकिन जितने जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं वो लोकसभा उनके पर काम करती है, उनके ऊपर सुप्रीम कानून बनाती है। लेट अस सी हाउ, देखते हैं कैसे। पहला है कोई भी ऑर्डिनरी जो कानून होता है इसको पास किया जाता है दोनों हाउसेज के द्वारा। बट इफ़ देयर इज़ ए डिफरेंस, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है, दोनों हाउसेज में, द फाइनल डिसीजन जो होता है वो जॉइंट सेशन के द्वारा लिया जाएगा। विच मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, जहाँ पर दोनों हाउसेज के जो सदस्य होंगे वो साथ में मिलकर बैठेंगे, बिकॉज ऑफ द लार्जर। अब यहाँ पर ज़्यादा संख्या कौन से हाउस के लोगों की होती है, लोकसभा की सदस्यों की होती है, तो यहाँ पर उनको ऑब्वियसली बात है उनको मेजोरिटी मिल ही जाएगी। लोकसभा जो होती है उनको
मनी मैटर में भी ज़्यादा पावर होती है. वंस द लोकसभा, एक बार जब लोकसभा जो है वो बजट पास करती है, गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो बजट पास करती है, एंड एनी अदर जो, या फिर दूसरा कोई भी पैसे से जुड़ा हुआ जो कानून होता है, द राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती. राज्यसभा उसको डिले कर सकती है फॉर 14 डेज और उसको अंदर चेंजेस लाने के लिए सजेशन दे सकती है. लोकसभा या उसको एक्सेप्ट कर भी सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है. थर्ड जो है इम्पॉर्टेंट काम जो होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोकसभा जो होती है वो कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जितने भी हमारे मिनिस्टर होते हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, हमारे रेल मिनिस्ट्री है, या फिर जितने भी हमारी अलग अलग फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जितने भी हमारी अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो इनकी लोकसभा के सदस्यों की ही होती है. ओनली ए पर्सन हु इन्जॉयज़ द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेम्बर्स ऑफ लोकसभा इज़ अपॉइंटेड. और लोकसभा के जितने भी लोकसभा के जो भी सदस्य होती हैं, उनका जो लीडर होता है वही हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनता है. इफ़ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द, अगर जो मेजोरिटी लोकसभा के जो मेंबर है उनकी मेजोरिटी ये कहती है कि उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके ऊपर विश्वास नहीं है, ऑल द मिनिस्टर, सारे जो मंत्री हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, उन सबको क्विट करना पड़ेगा. राज्यसभा जो है उसके पास ऐसी पावर नहीं होती है. यहाँ पर ए डे इन द लाइफ ऑफ लोकसभा एक दिया गया है कि किस तरीके से वहाँ पर काम होता है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं पूरे इसके पार्ट को. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसके बाद है. ये तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, आपको याद होगा हमने जो स्टोरी पढ़ी थी ऑफिस मेमोरेंडम वाली, विच विल विद विच हमने जिससे ये चैप्टर को स्टार्ट किया था पढ़ना. तो वी फाउंड आउट, हमने ये देखा था द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट, हमने देखा था कि जिस व्यक्ति ने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया था उसने वो फैसला नहीं लिया था, ही वॉज वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था. वी नॉट द, हमने ये भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर का इसमें क्या रोल है इस डिसीजन को लेने में. हमने ये भी देखा था कि किसने इस फैसले को लिया है, इफ डिड, और अगर वो इस फैसले को ले भी नहीं पाता यदि लोकसभा का उसको सपोर्ट नहीं होता. इन द सेंस वी वॉज ओनली, ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट. और हम देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने उस पेपर पर साइन किया था वो सिर्फ पार्लियामेंट के बिहाफ पे अपनी ड्यूटी को निभा रहा था. दस एट डिफरेंट लेवल, इसलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसके अलग अलग फंक्शनरीज होती हैं कि किस तरीके से किसको क्या काम करना है, कौन से किसको फैसले लेने हैं और किसको क्या काम नहीं करना है. All those functionaries are collectively known as executive. ये जितने भी functionaries हैं इनको collectively नाम दिया गया है executive. ये ठीक है, कार्यपालिका. दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, इनको एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि वही हमारी सरकार के द्वारा ली गई पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करती हैं, उनको लागू करती हैं, उनको कार्य रूप में लाती हैं. दस वैन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजअली मीन द एग्जीक्यूटिव, इसलिए जब हम सरकार की बात कर रहे होते हैं तो हम इन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे होते हैं. पोलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये दो तरीके के होते हैं एग्जीक्यूटिव, एक तो होते हैं पोलिटिकल एंड परमानेंट. यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये भी है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में टू कैटेगरीज मेकअप द एग्जीक्यूटिव, दो कैटेगरीज जो होती हैं वो मिलकर एग्जीक्यूटिव बनाती हैं. एक वन दैट इज इलेक्टेड बाय पीपल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, एक ऐसी जो सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाती हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे हम अपने MPs MLAs को चुनते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं. पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं जो बड़े बड़े फैसले लेते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, ये तो हो गए हमारे MPs MLA. हम दूसरी जो कैटेगरी है वो ऐसे पीपल होते हैं, दोज आर अपॉइंटेड फॉर ए लॉन्ग टर्म बेसिस, जिनको लंबे समय तक के लिए चुना जाता, लंबे समय तक के लिए अपॉइंट किया जाता है. ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, सिविल सर्विसेज के द्वारा. पर्संस वर्किंग इन सिविल सर्विसेज, जो व्यक्ति हमारी सिविल सर्विसेज में काम कर रहे होते हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं. ये अपने ऑफिस में तब भी रहते हैं यदि रूलिंग पार्टी चेंज भी हो जाती है. IAS IPS के एग्ज़ाम देकर जब बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं. एंड दे और वो ही ये दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंदर में रहकर ही काम करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं हर दिन के कामों को पूरा करने में, हर दिन के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा करने में. कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल
एग्जीक्यूटिव इन केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, आपने देखा होगा वो जो ऑफिस मेमोरेंडम था उसमें किस तरीके से काम किया गया। व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर, अब हम ये पूछ सकते हैं कि ऑफिस मेमोरेंड की किस तरीके से जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं वो उनके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास ज़्यादा शक्तियाँ क्यों होती हैं नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कंपेयर में। व्हाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल, अब ये जो मिनिस्टर हैं ये ज़्यादा शक्तिशाली एक आईएएस अधिकारी से, एक कोई भी जो मंत्री होता है वो ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है। अगर एग्जाम्पल देकर देखें तो सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो हमेशा ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, नॉलेज होती है हर एक सब्जेक्ट की उनको। जो एडवाइज़र्स वर्किंग इन द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स, जो भी एडवाइज़र होगा मान लो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके पास एक एडवाइजरी कमेटी होती है उसको एडवाइज़ करने के लिए, तो उस जो एडवाइजरी होगा उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी इकोनॉमिक्स की या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की। समटाइम्स द मिनिस्टर में कई बार ऐसा भी होता है कि जो मंत्री होता है वो बहुत ही कम पढ़ा लिखा होता है, उसको बहुत ही कम पता होता है टेक्निकल मैटर्स के बारे में जो भी मिनिस्ट्री उसको सौंपी गई है। मान लो कोई एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया है, हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया, लेकिन उनको उस रिलेटेड जो मिनिस्टर को सौंपी गई है उसके रिगार्डिंग में उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि वो उस फील्ड में पढ़ा हुआ नहीं है। तो इसीलिए उनके पास ऐसा एक पूरी टीम उनको सौंपी जाती है जो उनको हर एक तरीके से असिस्ट करती है। दिस कुड ईजिली हैपन, ये जितने भी अलग अलग हमारी मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस है, हेल्थ है, इंडस्ट्री है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, माइंस है, व्हाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दिस मैटर, हमारे जो मंत्री होते हैं वो फाइनल जो फैसला होता है उनके हाथों में क्यों होता है इन सभी मैटर को लेकर। आंसर जो है इसका बहुत ही सिंपल है, रीज़न जो इसके पीछे है, डेमोक्रेसी में जो लोगों की इच्छा होती है वो सबसे सुप्रीम होती है, मिनिस्टर जो होता है उसको लोगों के द्वारा चुना जाता है, दस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ पीपल, इसीलिए उसके पास शक्ति होती है लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए, लोगों के बिहाफ पे वो काम कर रहा है। शी इज़ फाइनली, वही फाइनली आंसरेबल है लोगों के लिए, जो भी फैसले हों, जो फैसला उसने लिया है उसके क्या परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक ऑल द फाइनल डिसीजन, द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क, मिनिस्टर ही डिसाइड करता है कि किस तरीके से फ्रेमवर्क जो है वो उसको डिसाइड करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है जो भी डिसीजन वो ले रहा है। मिनिस्टर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट, जो मिनिस्टर है वो एक एक्सपर्ट नहीं होता है और इसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कि वो जो मिनिस्टर को सौंपी गई है वो इसमें एक्सपर्ट ही हो। मिनिस्टर जो होता है वो एडवाइस ले सकता है, उसके पास एक टेक्निकल मैटर्स के लिए उसके पास एक टीम होती है एक्सपर्ट्स की, बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट, लेकिन कई बार ये जो एक्सपर्ट्स उनको सौंपे जाते हैं उनके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। बिफोर हर मोर देन वन ओपिनियन डिपेंडिंग ऑन वट, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो मिनिस्टर के हाथों में ही होता है कि फाइनल जो फैसला है जो ऑब्जेक्टिव है उसको देख के फाइनल डिसीजन उसको ही मंत्री को ही लेना होता है। एक्चुअली दिस हैपन इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन। ओवरऑल क्या जो भी समझते हैं ओवरऑल पिक्चर को समझ के कि क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं, एक्सपर्ट इन फैसले को नहीं लेते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं वो एक आपको रूटीन बता सकते हैं। कोई समवन विद लार्ज व्यू डिसाइड द डिसीजन डेस्टिनेशन इन ए डेमोक्रेसी, इलेक्टेड मिनिस्टर परफॉर्म दिस रोल, एक डेमोक्रेसी में जो चुने हुए मंत्री होते हैं वो इस रोल को अदा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी देश में। येट देयर इज़ नो डायरेक्ट, हालांकि प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, जो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मर्जी से किसी को भी चुन नहीं, किसी को भी पीएम नहीं बना सकते। ये जो भी मेजॉरिटी पार्टी या जो भी कोलिजन पार्टी वो लोकसभा के चुनाव में जीतती हैं उनको, उनका जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अगर कोई सिंगल पार्टी और अलायंस मतलब जब दो या तीन पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ती हैं उनको मेजॉरिटी हासिल होती है, जो प्रेसिडेंट होता है फिर उसको उनके जो पार्टी के जो जिस भी पार्टी के लोगों को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, सबसे ज़्यादा वोट सीटें मिली हैं लोकसभा के चुनाव में, उस पार्टी के लीडर को
पीएम बनाया जाता है। ही कंटिन्यूज इन पावर सो एज लॉन्ग एज ही रिमेन द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन, वो तब तक अपनी पोस्ट पर रह सकता है पीएम जब तक जो जब तक वो अपनी मेजोरिटी पार्टी का लीडर रहता है या फिर कोलिजन का लीडर रहता है। कोलिजन मतलब दो या तीन पार्टियां जो मिलकर सरकार बनाती हैं। आफ्टर द अपॉइंटमेंट, एक बार जब अपॉइंटमेंट हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की, जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है दूसरे सभी मिनिस्टर्स को एंड द ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही बताता है कि मुझे इस व्यक्ति को रेल मंत्रालय देना है, मुझे इसको एजुकेशन मंत्रालय देना है, मुझे इसको फाइनेंस देना है, मुझे इसको डिफेंस देना है। द मिनिस्टर ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये यूजुअली उसी पार्टी के होते हैं या उसी कोलिजन पार्टी के होते हैं जिनको मेजोरिटी वोट्स मिली हैं लोकसभा में। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो फ्री है वो अपने मिनिस्टर को चुनने के लिए एज लॉन्ग एज दे आर, जब तक वो पार्लियामेंट के सदस्य हैं। समटाइम्स एक कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है लेकिन उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है फिर भी, बट सच ए पर्सन हैज़, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन सिक्स, उसको पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का सदस्य के रूप में चुना जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर एक मिनिस्टर के तौर पर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। इट यूजुअली हैज़ 60 to 80 मिनिस्टर्स इन डिफरेंट रैंक्स। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसको ऑफिशियल नेम दिया गया है। इस एक इंक्लूड्स इसमें जितने मिनिस्टर होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, लगभग 60 to 80 मिनिस्टर्स के अंदर होते हैं और सबको अलग अलग रैंक दिया जाता है। सबसे पहला है सबसे बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर, ये सबसे टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के या फिर जिस पार्टी को मेजर मिनिस्ट्रीज मिली हुई हैं। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट, नॉर्मली जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये मिलते हैं कुछ भी बड़े फैसले लेने के लिए इन द नेम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पे जो भी फैसले लेने के लिए इनकी मीटिंग्स होती हैं। इनकी कैबिनेट इज़ दस द इनर रिंग ऑफ काउंसिल, इसीलिए हम कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जिसके अंदर ये सारे मंत्री शामिल होते हैं ये सबसे इनर वाली रिंग जो होती है वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होती है। लगभग इसमें 20 मंत्री होते हैं। दूसरा है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, इसमें यूजुअली इंचार्ज ऑफ स्मॉलर जो छोटी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके इंचार्ज बनाए जाते हैं। इसमें दे पार्टिसिपेट, ये कैबिनेट की मीटिंग पर तभी आते हैं जब इनको इनवाइट किया जाता है। तीसरा है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, दे आर अटैच टू द रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, इनको जो भी अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको असिस्ट करने का काम इनको सौंपा जाता है। सीन्स इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स, हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि ये जितने मिनिस्टर हैं ये रेगुलरली मीटिंग करते रहें, हर चीज़ को डिस्कस करते रहें। द डिसीजन आर टेकन, जो भी फैसले कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज़ ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए ज़्यादातर देशों में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। द कैबिनेट वर्क, जो कैबिनेट होती है वो टीम के तौर पर काम करती है और जो मंत्री होते हैं वो उनके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन एवरी वन हैज़ टू ओन अप एवरी डिसीजन, लेकिन सभी लोगों को कैबिनेट के फैसलों को मानना ही होता है। कोई भी मंत्री जो है वो ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता जो भी फैसले सरकार ने लिया है उसको, इवन इफ़ इट इज़ अबाउट अनदर, चाहे वो किसी दूसरे मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का ही क्यों ना हो। एवरी मिनिस्ट्री जो होती है उसके पास सेक्रेटरीज़ होते हैं जो सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। द सेक्रेटरीज़ प्रोवाइड द नेसेसरी, जो सेक्रेटरी उनको सौंपे जाते हैं वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उन लोगों को, उन मंत्रियों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मंत्री अच्छे तरीके से डिसीजन ले सके। कैबिनेट जो होती है वो एक टीम होती है एंड टीम इज़ असिस्टेड, ये जो द कैबिनेट एज ए टीम इसको असिस्ट करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर्स, और इस कैबिनेट सेक्रेटरीट में बहुत सारे सिविल सर्वेंट शामिल होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को। दैट्स इट इन दिस वीडियो।